हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों को कंप्यूटर एवरेज का फिफ्थ क्लास में स्वागत है। ठीक है, फिफ्थ क्लास में मेरा प्लानिंग था कि मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करूं एंड कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करूं, लेकिन अगर मैं दोनों एक साथ डिस्कस करता तो वीडियो क्या थोड़ा बड़ा हो जाता, इसीलिए मैंने सॉफ्टवेयर को अलग रखा एंड कंप्यूटर जो लैंग्वेज का टॉपिक है उसको मैं सेपरेट कवर करने का प्लान किया। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद कुछ भी क्वेरीज हो तो आप थ्रू कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप के जरिए आपका जो भी क्वेरी है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। जैसे आप लोगों को पता ही है, कंप्यूटर लैंग्वेज वर्ड का ही मीनिंग यही है कि जो भाषा कंप्यूटर को समझ में आए उसको उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि कंप्यूटर में हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ काम करते हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ काम करने के लिए हमें क्या होता है कि वेरियस टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करना होता है, एंड वही वेरियस टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें हमें किस चीज का जरूरत होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो इनमें इन जनरली क्या होता है कि दो टाइप का ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एक होता है ट्रिपल एल लो लेवल लैंग्वेज, और एक है HLL हाई लेवल लैंग्वेज। अभी लो लेवल लैंग्वेज कौन सा होता है? ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज होता है कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। एंड हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोगों का जो लैंग्वेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखिए, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, अगर मैं बुक का लैंग्वेज में पढ़ू, इट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डील विद द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स कॉन्फिगरेशन, इट इज क्लोज टू द कंप्यूटर नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर का क्लोज होता है और जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आता है। इसमें क्या होता है, दो लैंग्वेज, एक होता है मशीन लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज के बारे में पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसका पार्ट वन में मैंने बताया कि असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि नहीं है। अब देखिए, मैं इसके बारे में और भी अभी और थोड़ा डिटेल्सली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले क्या होता था, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर से पहले ये क्या था, असेंबली लैंग्वेज था। इस असेंबली लैंग्वेज को रीड करने के लिए क्या था, एक असेंबलर था। अभी ये क्या होता था कि इसमें जैसे हम लोग थ्रू कोडिंग ही हमें ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था, इसीलिए इसी को और भी कन्वीनियंट करने के लिए, और भी इजी करने के लिए क्या लाया गया, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर लाया गया। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, अभी मैं इसके बारे में और डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा होता है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो चीज मशीन को समझ में आए, मीन्स कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, कंप्यूटर को समझ में आता है अपना बाइनरी लैंग्वेज। हम लोग जो भी दे वो क्या होता है कि अपना लैंग्वेज में ही उसको कन्वर्ट कर लेता है, मीन बाइनरी में ही कन्वर्ट कर लेता है। तो असेंबली में क्या होता था, इसमें उन लोग उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बिकॉज हम लोग तो उसको कोडिंग ही दे रहे थे, तो कोडिंग दे रहे थे और कोडिंग ले रहा था, तो इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। एट प्रेजेंट क्या होता है कि हम तो कोडिंग में चीजें नहीं दे सकते, हम लोग क्या होता है अपना लैंग्वेज में देते हैं, तो वही लैंग्वेज को कन्वर्ट किस पे, वही लैंग्वेज को ट्रांसलेट कौन करता है, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, एंड उसको कन्वर्ट करके कौन सा लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मींस बाइनरी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? उसके बाद अगर बात करूं मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज मैंने बोला ही है कि एक बाइनरी होता है जो चीज मशीन को समझ में आता है। अभी एडवांटेज, प्रोग्राम रन फास्टर डेफिनेटली, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होता था, ये जो लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज होता था, इसमें लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता था, फर्स्ट जो असेंबली लैंग्वेज था इसमें क्या होता है, कोडिंग में ही देना होता था। ठीक है, तो इन दैट केस कंप्यूटर कोडिंग लेता था, तो इसमें इसीलिए वो क्या होता था, रन फास्टर होता था, ट्रांसलेशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता था, बिकॉज वो तो अपने लैंग्वेज में इसको मिल रहा है, तो वो ट्रांसलेट का क्यों रिक्वायरमेंट होगा। एंड अगर मशीन लैंग्वेज की बात बोलूँ, मशीन लैंग्वेज तो उसका अपना लैंग्वेज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिसएडवांटेज क्या है, प्रोग्राम करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, बिकॉज अभी देखिए, मान लीजिए मुझे अभी कुछ चीज लिखना है, उसको मैं कोडिंग में लिखूंगा तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं? डिबगिंग ऑल्सो एन इशू। डिबगिंग का मीनिंग जो होता है ना, इसका बारे में बाद में वीडियो का एंड में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये एक इशू था। अभी देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ये जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके बारे में आज जस्ट एक बेसिक चीजें समझा दूंगा। ठीक है, इसका मैं सेपरेटली कवर करने का कोशिश करूंगा। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है। इसको बनाया किस लिए किया है, देखिए डे बाय डे क्या हो रहा है कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज चीजें जो है और भी इजी करने के लिए, ताकि ह्यूमन को प्रॉब्लम ना हो, ह्यूमन का जितना भी प्रॉब्लम हो वो और भी इजी हो जाए,
इसलिए क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज डेवलप किया जा रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स के लिए। तो इसीलिए क्या होता है कि मॉडर्न डे का मॉडर्न मॉडर्न वर्ल्ड का जो प्रॉब्लम्स है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग में, ठीक है, उसी को सॉल्व करने, उसी को इजियर करने के लिए, उसी को और भी कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या डेवलप किया गया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसे उप्स भी कहा जाता है। उप्स, समझ आया कि नहीं आ रहा है? तो क्या होता है, इसके जो फर्स्ट लैंग्वेज है सिमुला, सिमुला इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। इसमें कई तरह लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, अलग अलग टाइप का। अभी देखिए, अगर आपको जावा सीखना है देन आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जानना ही पड़ेगा, विदाउट दिस आप जावा नहीं सीख सकते, ठीक है। अब देखिए जावा क्या है, जावा इज यूज फॉर डेवलपिंग मोबाइल डेस्कटॉप वेब सर्वर साइड एंड डायनामिक वेब एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जावा, अभी जावा स्क्रिप्ट किस लिए, जावा स्क्रिप्ट डिजाइन फॉर एचटीएमएल स्टडिंग एचटीएमएल पेजेस, ठीक है, इंटरेक्टिंग इंटरेक्टिविटी टू एचटीएमएल पेजेस, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑपरेशंस एंड एग्जीक्यूटेबल क्वेरी रिलेटेड टू द डेटाबेस ऑन द सर्व। तो ये जावा एंड जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस आपको पता चल गया। जावा किसके लिए यूज होता है, डेवलपिंग मोबाइल डेस्कटॉप वेब सर्वर इसके लिए, एंड जावा स्क्रिप्ट इसके लिए एचटीएमएल पेजों को स्टडी करने के लिए, इंटरेक्टिविटी करने के लिए इसके लिए यूज होता है। बात समझ में आ रहा है? पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, इट इज यूज फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लेक्सिटी साइंटिफिक न्यूमेरिक एप्लीकेशन एंड डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। ये चीजें एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद सी हैश इज ए जनरल पर्पस, ये भी एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है। किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, किसके लिए, ये डेवलपिंग माइक्रोसॉफ्ट ऐप, माइक्रोसॉफ्ट ऐप ऑन माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म में जो डेवलप करने के लिए सी हैश ये जो लैंग्वेज है इसका यूज होता है। पीएचपी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के लिए कौन सा लैंग्वेज होता है, पीएचपी, ठीक है। डॉट नेट, डॉट नेट इज ए प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आपका कौन सा, सी हैश भी माइक्रोसॉफ्ट का एंड डॉट नेट भी माइक्रोसॉफ्ट का, व्हिच कैन बी यूज्ड टू बिल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सच एज विंडोज, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन के लिए डॉट नेट लैंग्वेज यूज किया जाता है। विजुअल बेसिस, अभी विजुअल बेसिस इज एन अप्रोचेबल लैंग्वेज विद सिंपल सिंटैक्स फॉर बिल्डिंग टाइप सेव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टैक्स, ठीक है। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया कि जावा स्क्रिप्ट पाइथन सी हैश पीएचपी डॉट नेट विजुअल बेसिक ये सारा चीजें किस लिए यूज होता है। अभी इसके बारे में और भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसको किसने डेवलप किया था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। सी और सी प्लस पर डेनिस रिची, जावा जेम्स गोसलिंग, जावा स्क्रिप्ट पीएचपी, उसके बाद पाइथन HTML, .NET फ्रेमवर्क, सी हैश, पर्ल एंड रूबी, ये जो लैंग्वेज है ये किसने किसको कौन सा लैंग्वेज डेवलप किया, ये चीजों के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके साथ साथ उसका यूजेस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया बोलिए। अभी देखिए उसके बाद हम लोग कुछ और भी चीजें डिस्कस करेंगे जो इससे रिलेटेड है। अभी लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर नाम सुन के आप लोगों को पता चल गया ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जहां पे कहता है लैंग्वेज प्रोसेस होता है। इसमें जैसे फोरट्रेन कोबोल ये क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर है। उसके बाद डिबगिंग, मैंने बोला था डिबगर, डिबगर मतलब क्या है, एक सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है। इसका काम क्या होता है कि जो ये डिजाइन ही किया गया कि जो प्रोग्राम्स है जो प्रोग्राम्स है या सोर्स कोड है इसको इरोर फ्री रखना, इरोर फ्री रखना। बात समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है लिंकर एंड लोडर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिंकर एंड लोडर क्या होता है, ठीक है, इसके लिए ये एक तो डायग्राम था, ये बाद में अभी आना था लेकिन ये क्या हो गया ना, मैं इसको एनिमेशन करना भूल गया था इसलिए पहले ही आ गया। अभी लिंकर एंड लोडर क्या है, देखिए अभी लिंकर इज ए प्रोग्राम दैट कंबाइंस ऑब्जेक्ट मॉड्यूल टू ए फॉर्म ए एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इन लोडर क्या है, लोडर ब्रिंग्स ऑल द प्रोग्राम ऑब्जेक्ट इनटू मेमोरी एसेंशियल टू रन ए प्रोग्राम। ये समझ में नहीं आया, देखिए अभी ये जो सोर्स कोड, मान लीजिए मैंने कुछ लिखा है, वो कहां पे जाएगा, जैसे कंपाइलर के पास गया तो कंपाइलर उसको क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, करेगा जो मशीन समझ पाए। तो वो कोड में कन्वर्ट होने के बाद ये लिंगर के पास चला जाएगा एंड लिंगर क्या करेगा, जो मैंने लिखा है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूटिबल फाइल में कन्वर्ट करेगा।
एक एग्जीक्यूटिवल फाइल में कन्वर्ट करके वो किसको दे देगा, लोडर को दे देगा। क्योंकि देखिए, मैं जो भी चीज बोलता हूं, मैं जो भी चीज लिखता हूं, मैं जो भी चीज सेव करता हूं, वो कंप्यूटर को समझ में आता नहीं है, कंप्यूटर को उसको अपना ही लैंग्वेज समझ में आता है। तो इसीलिए वो अपने हिसाब से चीजों को करता है। मैं कंप्यूटर में सेव करने का पहला तक चीजें अपने हिसाब से करता हूँ। जब मैं चीजें को कंप्यूटर में सेव कर देता हूँ, उसके बाद उसका जो काम होता है कंप्यूटर अपना हिसाब से करता है। तो कंप्यूटर फर्स्ट वो एग्जीक्यूटिवल फाइल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, वो लोडर लोडर के पास जाता है। लोडर क्या क्या करता है, उसको मेमोरी में सेव करके रख देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? यही होता है लिंकर एंड लोडर का काम। लिंकर क्या करता है, एक जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग देते हैं, उसको एग्जीक्यूटिवल फाइल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद लोडर क्या करता है, उसको मेमोरी में सेव कर देता है, कि मेमोरी में सेव करके उसको प्रोवाइड कर देता है, कि मान ली वो रैम में सेव कर देता है, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर बाद में वो चाहिए वो फिर वहां से लाके आपको दे देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही है लोडर का काम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर स्टिल कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप के थ्रू अपना क्वेरी सब शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है? उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो है स्पूलिंग। अभी इसका मीनिंग क्या है, इसका नाम सुन के थोड़ा अजीब अजीब लग रहा है। नाम क्या है, स्पूलिंग का जो मीनिंग होता है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसका मीनिंग क्या है, साइमल्टेनियस मींस लगातार, पेरिफेरल मींस जो इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइस होता है इसका ऑपरेशन, ठीक है? अभी यहाँ पे ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन मतलब सीपीयू जब ऑन रहता है उसको कहते हैं ऑनलाइन। दैट मींस एक साथ कई सारा इनपुट आउटपुट का काम, जब सीपीयू ऑन रहता है तब एक साथ कई सारा जो हम इनपुट आउटपुट का काम होता है उसे करना क्या होता है, स्पूलिंग होता है, ठीक है? अभी स्पूलिंग क्या होता है, कि एक प्रोसेस होता है, ठीक है? इसको इसको एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, पहले का अगर मैं बात बोलूं, पहले क्या था, कि पहले ओनली मेन मेमोरी था, सेकेंडरी जो मेमोरी था वो नहीं था, ये तो पता ही है। बाद में क्या होगा, अगर सिर्फ मेन मेमोरी रहेगा तो स्टोरेज कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा, वो एक्सपेंडेबल नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। तो उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट लाया गया, सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है? अभी एक सेकेंडरी मेमोरी कॉन्सेप्ट लाने के बाद क्या फायदा क्या हो गया, अभी मान लीजिए मैं कुछ कोई भी चीज, मान लीजिए मुझे पीपीटी बनाना है, मुझे मैंने ये पीपीटी बनाया, पीपीटी बनाने के बाद मैंने ये फाइल सबमिट किया, मैंने सीपीयू को दिया। अभी देखिए, सीपीयू जो है वो कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से बात नहीं करता है, सेकेंडरी मेमोरी से बात नहीं करता, वो किससे डायरेक्ट बात करेगा, मेन मेमोरी से, ठीक है? अभी मैंने फाइल किसको दिया, सीपीयू को दिया, सीपीयू ने किससे कोऑर्डिनेट करेगा, मेन मेमोरी से करेगा। तो मेन मेमोरी क्या करेगा, मेन मेमोरी ने इससे दिया, अभी ये फिर क्या क्या करेगा, जो फाइल मैंने मांगा है वो क्या करेगा, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से लेके प्रोसेस के लिए सीपीयू को भेज देगा, फिर सीपीयू अपना प्रोसेस काम करके मेन मेमोरी को दे देगा, मेन मेमोरी क्या करेगा, वो सेकेंडरी डिवाइस में आके वो आउटपुट डिवाइस तक चला जाएगा। इस तरह काम होता है। बात समझ में आ कि नहीं आ रहा? तो ये एक प्रोसेस है, ये एक वन टाइप प्रोसेस है। यहाँ पे एक नंबर प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो नंबर प्रोसेस हो रहा है, फिर ये एक है, तीन नंबर, थर्ड प्रोसेस ये हो रहेगा, फोर्थ प्रोसेस, और ये के लास्ट में क्या हो रहा है, फिफ्थ प्रोसेस, जहाँ जहाँ से क्या हो रहा है, चीजें का किसके तक जा रहा है, आपका आउटपुट डिवाइस तक जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये जो स्पूलिंग है, स्पूलिंग का थ्रू से क्या होता है, ये जो हम लोग दे रहे हैं ये क्या होता है, ये डायरेक्ट किसके पास, मेन मेमोरी पे सेव ना होके ये सेकेंडरी मेमोरी पे सेव होता है। इसके लिए हमें फायदा क्या मिलता है, कि चीजों को करने में हमें आसानी होता है। अभी मेन मेमोरी पे अगर मैं ज्यादा प्रेशर दूंगा तो मेन मेमोरी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो रहा है, मेन मेमोरी क्या किसके पास रख रहा है, वो सेकेंडरी मेमोरी के पास रख रहा है। जब उसका रिक्वायरमेंट हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी से वो ले रहा है, लेने के बाद वो प्रोसेस करके फिर सेकेंडरी मेमोरी पे देके एंड सेकेंडरी मेमोरी को उस पर सेव कर देता है, एंड आउटपुट डिवाइस, और जो रिजल्ट है उसको क्या होता है, आउटपुट डिवाइस में प्रोसेस कर देता है। यही चीज होता है स्पूलिंग का काम। क्योंकि वो इसके लिए क्या हो रहा है, कि हमें काम करना है, चीजों को प्रोसेस करना है, सीपीयू, अभी सीपीयू के लिए भी आसान हो रहा है, सीपीयू मांगने के साथ साथ वो दे पा रहा है। कि पहले क्या होता था, कि मेन मेमोरी पे चीज थोड़ा स्लो होने का चांस होता था, अभी जब सेकेंडरी में मेमोरी आ गया तो चीजें क्या हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। यही होता है चीजें। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गया। तो यही चीजें था जो चीज कंप्यूटर लैंग्वेज में था एंड सॉफ्टवेयर के बारे में था। आई थिंक आप लोगों को पास नंबर का सब लोग अच्छा लगा, एंड अच्छा लगा तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है? उसके साथ साथ ये वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड अपना फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।